Hi all of you, good morning. Now your Hindi time. Hindi में हमने कौन से व्यंजन सीखे थे? क, ख और ग, है ना? तो आज हम सीखेंगे उसके आगे के व्यंजन. Okay? So student, हमने सीखा था क से कमल, क से कमल, ख से खत, ख से खत, और ग से गमला. घर से गमला. उसके बाद आएगा घर से घड़ी, घर से घड़ी, और ये क्या है? अंग. ये क्या है? अंग. ये अनुस्वार होता है. अंग से कुछ नहीं होता है. अंग से कुछ नहीं, इसको अनुस्वार बोलते हैं. ओके. और ये है च से चम्मच, च से चम्मच. सो स्टूडेंट, आप क्या करोगे? यहाँ पे सी डब्ल्यू और डेट डालोगे, राइट? और अब हम लिखेंगे घ से घड़ी, घ से घड़ी. तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है. पहले हम यहाँ ऊपर से करेंगे कर्व शेप, उसको टच करके अगेन कर्व शेप, देन स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर पूरी आएगी स्लिपिंग लाइन. ऐसे ये हमारा बन गया घ. फिर से मैं आपको सिखाती हूँ. कर्व शेप, अगेन कर्व, देन स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन. घ से घड़ी. और ये मैंने पहले ही आपको बताया क्या है. ये अंग, इसको बोलते हैं अनुस्वार. ये बहुत ही आसान है लिखना. फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, देन मेक अ एस. एस बनाते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही. और यहाँ ये जो इसका टमी निकल रहा है, वहाँ हम क्या करेंगे? डॉट लगाएंगे. बन गया हमारा अंग. फिर से मैं सिखाती हूँ. स्टैंडिंग लाइन, एस और डॉट. ऐसे अंग, राइट? और ये है च. च से चम्मच. उसको कैसे लिखेंगे? ये बीच में स्मॉल स्लिपिंग लाइन, देन मेक अ यू. जैसे यू बनाते हैं ना, वैसे देखो. फिर स्टैंडिंग लाइन, बन गया च. स्लिपिंग लाइन, मेक अ यू शेप, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन. च से चम्मच, च से चम्मच. सो स्टूडेंट, आपको क्या करना है? आपकी नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करनी है. ओके, बाय बाय, टेक केयर.